हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम SBI बैंक से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, SBI बैंक्स में इन्वेस्ट करने के लिए सारे के साथ सब लोग मोस्टली आपको मना करते हैं और सब कहते हैं कि SBI बैंक में आप इन्वेस्ट मत करो क्योंकि आपका पैसा वहाँ बनेगा नहीं। सेफ बैंक है, इंडिया का नंबर वन बैंक है और टॉप 100 बैंक में वर्ल्ड में भी आता है। नो डाउट अच्छा बैंक है, ओके, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है, बट रियलिटी है कि उसमें पैसा हमारा नहीं बनता है, ओके। बट SBI बैंक से रिलेटेड, ओके, दो ऐसे स्टॉक है जो मैं जिनसे रिलेटेड बातें करने वाले हैं आज, और अगर उनमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फ्यूचर में इतने मल्टीबैगर रिटर्न मिलेंगे कि आप शायद करोड़पति बन जाए। तो आइए उनसे रिलेटेड बातें करते हैं, उन शेयर से रिलेटेड बातें करते हैं, उनकी बैलेंस शीट चेक करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो आइए बैंक की उसकी तरफ चलते हैं, वीडियो की तरफ। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको इस तरीके की बेहतरीन वीडियो मिलती रहे। तो आइए सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो शेयर है, ओके, उसका नाम है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड। तो SBI कार्ड्स, आपको पता ही है, क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं, ओके। आप फेस्टिवल सीज़न चल रहा है आजकल, तो उसमें भी आप क्रेडिट कार्ड ही स्वैप कर देते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप सिंपली क्या करते हैं कि आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, आपको अगर कुछ चीज़ ख़रीदनी है तो आप स्वैप करते हैं और आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो SBI कार्ड उसी से रिलेटेड है, और कह सकते हैं कि इस और दूसरा कोई इस तरीके का शेयर मार्केट में अभी तक लिस्ट भी नहीं है। हालांकि HDFC बैंक नंबर वन बैंक है एक कार्ड के मामले में, जिनका हिस्सा मार्केट कैप्चर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है SBI से, और SBI सेकंड नंबर पर आता है। बट आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको आज की डेट में, कल की डेट में आपको गिरावट दिखी है 2.26% की। बट फेस्टिवल सीजन आ रहा है, एज वेल एज मोस्टली लोग कार्ड से ही पेमेंट करते हैं, तो इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, ओके, और आपको बहुत अच्छे रिटर्न आपको मिलने ही वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मार्च में ही लिस्ट हुआ था, उस टाइम आपको लिस्ट आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा था, मतलब नीचे की तरफ ही ये ओपन हुआ था, लिस्टिंग प्राइस भी इसका नीचे हुआ था, तो काफ़ी लोग इससे घबरा गए थे। बट इसने रिटर्न अपने रिजल्ट इस तरीके से पेश किए कि लोग इसे ख़रीदने के लिए अब मर जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा इसका फ्यूचर भी है, देख लेते हैं हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न। तो देखिए, लगभग 750 पे हम सब लोगों ने IPO में अप्लाई किया था, 54 पे ये शेयर हमें मिला भी था, ओके, बट गिरते गिरते 500 रुपये तक आ गया था, और 500 के बाद इसने क्या जंप लगाई है। अच्छे शेयर की पहचान है कि पेंडामिक में होने के बाद भी रिजल्ट पेश किया, और लगभग 80% के इसने रिटर्न्स, 72% के रिटर्न्स आपको आज देता हुआ नज़र आ रहा है। 52 वीक हाई भी देखेंगे तो लगभग 918 रुपये। तो आप इस शेयर की तरफ गौर फरमा सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन शेयर है। और इसके अलावा इसका आप आज के रेट की बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, तो 495 रुपीज़ पर 22 मई को ये चल रहा था, 918 इसका हाईएस्ट अभी दो दिन पहले गया था, और 42% की डिलीवरीज उठाई गई है। मतलब 42% की डिलीवरीज, आप समझ रहे हैं कितनी ज़्यादा डिलीवरीज होती है। तो लोग जानते हैं फ्यूचर में ये शेयर एक ऐसा शेयर है जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है और आपको करोड़पति बना सकता है। तो आप इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए, एज वेल एज इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, और भी मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। तो लगभग 69.46% के यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग है, एज वेल एज पब्लिक की बात करें तो 30.54% की। 1 रुपये का डिविडेंड इसने 15 मई को आपको दिया है, इंटरिम डिविडेंड, और कोई भी शेयर इनका प्लेस नहीं है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट इनकी काफ़ी अच्छी है। देखिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें जो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे, 370665, ओके, 1568, 2735, और अभी लगभग 4384 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स एंड सरप्लस इस कंपनी का, काफ़ी अच्छे रिजर्व्स इस कंपनी के पास है। बोरिंग की बात की जाए तो देखो, कार्ड है, ओके, आप सभी, ये लैंडिंग का ही काम करता है बोरिंग, मतलब आप स्वाइप करते, एक तरीके का लैंडिंग ही है, ओके, आपको उधार देने का, क्रेडिट का मतलब ही उधार देना है, तो इसका बोरिंग होना लाजमी है। तो लगभग 7000 करोड़ के इनके पास लॉन्ग टर्म बोरिंग, और 10,432 करोड़ रुपये के इनके पास शॉर्ट टर्म बोरिंग है। एज वेल एज इनकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1.46% की करंट इन्वेस्टमेंट है, और कैश एंड इक्विवेलेंट की बात करें जो कि कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, बट लास्ट टाइम से थोड़े से कम है, तो लगभग 676 करोड़ रुपीज़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इनके पास है। तो काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट भी है, और ये शेयर एक ऐसा शेयर है जो आपको फ्यूचर में करोड़पति बना सकता है, बहुत अच्छे रिटर्न देगा। तो इसकी तरफ नज़र रखिए,
SIP करिए, एज वेल एज अगर आपको और सस्ते दाम में मिलता है तो आप इसकी तरफ ले सकते, इसे ले सकते हैं। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ, तो देखिए 69.46% की हिस्सेदारी प्रोमोटर्स की अभी है, और फॉरेन इन्वेस्टर ने देखिए अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है 5.93% की हिस्सेदारी, मतलब थोड़ी सी हिस्सेदारी यहाँ पर स्लाइटली बढ़ा दी है 1 पॉइंट समथिंग% की। DIS ने भी अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी कम करी है, 20% की हिस्सेदारी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 0.02, इंश्योरेंस 0.41, म्यूचुअल फंड 2.46, अदर DIS 70.12, और अदर्स की बात की जाए तो लगभग 4.59% की हिस्सेदारी यहाँ पर रखते हैं। इसके अलावा एक और SBI का शेयर है जो कि मार्केट में लिस्ट है, जो कि अच्छे रिटर्न्स आपको देता आया है, ओके। और इसका नाम है SBI लाइफ इंश्योरेंस, डेट फ्री कंपनी है। इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे, देखिए एक दिन में इसकी गिरावट दिखाई दे रही है 0.37, 5 डेज़ का परफॉर्मेंस देख लीजिए, ओके। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं कहेंगे, ओके, क्योंकि पिछले एक महीने से दो तीन ये कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है, बट 700 पे अभी ईयर टिल डेट की बात कर ले, पेंडेमिक से पहले लगभग ये 1000 रुपीज़ पर चल रहा था ये शेयर, और आपको ये 500 रुपये के आसपास ही आपको जो मार्केट गिरी तब मिला है, और उसके बाद भी इसने काफ़ी अच्छा रिकवर भी कर लिया है, ओके। तो आप देखेंगे तो 60-70% तक का रिटर्न आपको अगर पेंडेमिक से आपने लिया होता तो आपको मिल जाता। मैक्सिमम की बात करेंगे, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 3 साल ही हुए इस कंपनी का, 700 पे ये आया था और ये अभी कम से कम भागते जा रहे हैं। और इंश्योरेंस की वैल्यू देखिए, अभी तक तो लोगों को नहीं पता थी, अभी तो केवल टैक्स के लिए ही लोग शेयर लेते थे इंश्योरेंस कंपनी के, बट अभी कोविड आने पर लोगों को इंश्योरेंस की वैल्यू पता चली है, तो अब भी लोग इंश्योरेंस को एज अ एसेट की तरह यूज़ करके लेंगे, ताकि उन्हें अगर फ्यूचर में कोई किसी तरीके का वायरस या किसी तरीके की बीमारियां होती हैं तो उसमें ये इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करके उन्हें प्रॉफिट हो सके, ताकि वो अपने आप को अनसर्टेन जो हमारे एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंटली जो पे करना पड़ जाता है अनसर्टेनिटी से, तो उससे हम बच सके। तो इंश्योरेंस कंपनी फ्यूचर में काफ़ी आगे आगे बढ़ने वाली है, तो इसकी तरफ आप ध्यान दीजिएगा, SBI लाइफ की तरफ, डेट फ्री कंपनी है, ओके, देख लीजिए। 519 रुपीज़ का शेयर आपको 19 मार्च को मिल रहा था, 1030 रुपीज़ का 30 अक्टूबर 2019 को था। क्वांटिटीज़ की बात की जाए, 43% की क्वांटिटीज़ यहाँ पर भी उठाई गई है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। कंपनीज इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको अभी दिखाऊंगा, और कोई भी शेयर इनका प्लेस नहीं है, पहले बैलेंस शीट देख यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अभी लगभग 62.8% की हिस्सेदारी है। फॉरेन इन्वेस्टर देखिए 25.87% की फॉरेन इन्वेस्टर की भी है, एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो 9% की हिस्सेदारी यहाँ पर लगभग रखते हैं। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है, एज वेल एज यहाँ पर हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, तो देखिए रिजर्व देख लिए कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, 3733446454527657676 और 7743.06 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स इनके पास है, जो कि कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा बोरिंग की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 0, शॉर्ट टर्म बोरिंग 0, तो किसी भी तरीके का कर्ज नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। एज वेल एज हम इसके इन्वेस्टमेंट, कोई इसी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है जो लगभग 1423.23 करोड़ रुपीज़ का इनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जो कि पिछले से लगभग 1000 करोड़ रुपये से कम है। तो बैलेंस शीट भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, और इंश्योरेंस का काम फ्यूचर में करने वाला चलने वाला है, और कार्ड्स तो आपको पता ही है, ओके, यहाँ मार्केट में तो लगभग यहाँ शेयर मार्केट में तो मोनोपोली बिजनेस ही कह देंगे इसे एक तरीके से, बट बाहर तो और भी बहुत सारे सारे बैंक ही लगभग कार्ड प्रोवाइड करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि बाय ऑन डिप्स पे अगर आपको फ्यूचर में मौका मिलता है, और अगर आप SBI बैंक, SBI ग्रुप का कोई आप शेयर खरीदना चाहते हैं, तो SBI बैंक को छोड़कर SBI कार्ड और एज वेल एज SBI लाइफ इंश्योरेंस जो ये शेयर है इसकी तरफ आप नज़र बना सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिटर्न भी दिए, एज वेल एज बैलेंस शीट एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, लोगों का भरोसा है इस शेयर पे, और ये अच्छी तरीके से बढ़ते हुए 500 का शेयर लगभग 900 पर चल रहा है। तो आप इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं, बाय ऑन डिप्स पे खरीद सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने से कंफर्म कर सकते हैं। तो आइए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके का आपको वीडियो मिलता रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।